गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। देखिए, आज की क्लास में हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा, जो यूनिट चल रही है, संक्रमण धातुओं में मेटल लिगेंड बंधन, उसी के आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वीवीटी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वीवीटी करवा दिया था। अब हम पढ़ेंगे सीएफटी क्या होती है। ठीक है, सीएफटी आज का हमारा टॉपिक है। तो हिंदी मीडियम की क्लास में सबसे पहले देखिए, जो सीएफटी है, सीएफटी में ये चीज मानी गई कि हंस बैथे और वैन डॉक ने 1929 में एक थ्योरी दी, और इस थ्योरी में कहा गया कि अगर किसी ऋणायन के जालक में एक विलगित धनायन का प्रवेश कराया जाता है, तो विलगित धनायन के संभ्रंश द्वि कक्षक का विपातन होता है, यानी उसकी जो ऊर्जा स्तर है, पूरे के पूरे जो पांचों डी कक्षक है, पता है कि समान ऊर्जा के होते हैं जब वो विलगित धनायन में होते हैं, लेकिन जैसे ही ऋणायनों का यहाँ पे प्रभाव पड़ता है तो धनायन के पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा में कुछ परिवर्तन आता है। उसी के बारे में हंस बैथे और वैन ब्लॉक ने अध्ययन किया और उन्होंने ये सीएफटी का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इस सिद्धांत से सबसे पहले तो क्या सिद्धांत है इसके बारे में देखेंगे, और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल गया है उसके बारे में भी आज की क्लास हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप खड़े लिखे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको का प्रयोग
क्षेत्र सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आप थ्योरी लिखी है, फिर थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जालक क्या होता है? जालक में हम जैसे मान लेते कि एक पूरा का पूरा एक जालक है जिसमें एक ऋणायन, अब मान लेते किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं आपस में, जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, जुड़े हुए हो किसी भी तरह की संरचना हो, जालक हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो अगर इसमें किसी धातु आयन का प्रवेश कराया जाता है जालक के अंदर और वह ऋणायनों से घिरा हुआ है, ठीक है, मैंने अभी इसे भी घनायन बनाया है, ये जो जालक है हो सकता है कि अष्टफलकीय हो, चतुष्फलकीय हो, किसी प्रकार का जालक हो सकता है। जब अष्टफलकीय जालक होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो घनायन है वह अन्य छह लिगेंडों से जुड़ा होगा, घनायन कि चारों तरफ कुल छह लिगेंड उपस्थित होंगे। इसी तरह से अगर चतुष्फलकीय होगा तो चार लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो यानी जालक के अंदर आपस में कह सकते हैं कि हम कि धातु आयन के चारों तरफ चार लिगेंड मौजूद होंगे जब चतुष्फलकीय होगा। तो देखिए, जब भी विलयुक्त धनायन की हम बात करते हैं, कोई भी एक धनायन है तो उसके डी कक्षक जब विलयुक्त है आइसोलेटेड है, यानी इस पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं आ रहा लिगेंड का, तो इस वाली कंडीशन में पांचों के पांचों डी कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, यानी ये कहलाते हैं समभ्रंश। जैसे ही इस धातु आयन को जालक में प्रवेश कराया जाता है, जालक जो कि ऋणायनों का जालक है उसमें प्रवेश कराया जाता है, तो यहाँ पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण इसकी ऊर्जा जो है वह विभाजन हो जाती है, यहाँ पर डी कक्षक जो है उसमें विभाजन होता है। तो उसी परिवर्तन जो है डी कक्षक की जो ऊर्जा पहले समान थी और इसमें कुछ परिवर्तन आया उसी का अध्ययन किया गया है हंस बैथे ने 1929 में, ठीक है। वैसे तो ये थ्योरी दी गई है हंस बैथे और वैन ब्लॉक की, लेकिन कम से कम आप एक साइंटिस्ट का नाम तो याद रखिए, हंस बैथे, ठीक है, नोट कर लें इसे। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी होगी, अगली हेडिंग डालें अभिक्रिया है। इस टॉपिक में हम जो सीएफटी है उसमें क्या क्या बताया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे का पूरा जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला जो अभिक्रिया ये है या पोस्टुलेट कह लिए, पोस्टुलेट्स को हिंदी में बदल के कहते हैं, तो पहला तो यही है
धातु आयन और लिगेंड जो है उसके मध्य जो बल बन रहा है वह 100% आयनिक होता है। आयनिक का मतलब है एक धनायन और दूसरा ऋणायन। तो हमें वैसे ही पता है कि जो धातु आयन है वह धातु आयन जो है वह धनायन का काम कर रहा है, यानी वह अपने रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता रखता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसी तरह से लिगेंड जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए बंध निर्माण के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 100% आयनिक बंध है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। लिगेंड यहाँ पर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो है विद्युत आवेश जिसे पॉइंट चार्ज कहा जाता है, ये क्या है लिगेंड। दूसरा है बिंदु द्विध्रुव, पॉइंट पोलर, बायपोलर होगा आई थिंक, डायपोल, डायपोल होता है, ठीक है, डायपोल। बिंदु आवेश में जैसे कि F- CN- आदि हो जाएंगे, और बिंदु द्विध्रुव यानी पॉइंट डायपोल में होता है H2O, NH3 आदि, ठीक है। यहाँ पर अणु आते हैं जबकि वहां पर ऋणायन आते हैं। अब अणु में हमें पता है कि अणु में दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, धनायन भी होता है और ऋणायन भी होता है। तो इस वाले केस में जैसे कि हमने फर्स्ट वाला देखा वॉटर, तो वाटर में एक तो ऑक्सीजन मौजूद है और दूसरा मौजूद है एच हाइड्रोजन। तो जब हम इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एच है उस पे है पॉजिटिव चार्ज जबकि ऊपर है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब भी बिंदु द्विध्रुव धातु आयन के साथ में बंध का निर्माण कर रहा है तो उसमें जरूरी है, आवश्यक है कि जो इसका ऋणायनिक भाग है यानी ऑक्सीजन जो है वह मौजूद हो धातु आयन की तरफ, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें जल में नजर आ रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है वह धातु आयन की तरफ है, क्योंकि धातु आयन में यहाँ पर आवेश ज्यादा क्या होता है प्लस 2 है, प्लस 3 मतलब पॉजिटिव में जो चार्ज आता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से ये हो गया। अगर अमोनिया का केस देखेंगे तो अमोनिया में भी अगेन ऐसे ही बनेगा, एच पे है पॉजिटिव जबकि नाइट्रोजन पे है नेगेटिव। तो मेटल आयन की तरफ या धातु आयन की तरफ हमने जिस चार्ज मान लिया एन प्लस मान लिया, एन कुछ भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव भाग है यानी ऋणायनिक भाग है इस बिंदु द्विध्रुव का वह धातु आयन की तरफ शीर्ष किए हुए रहता है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के बारे में आप लिखें, सबसे पहले यह सिद्धांत धातु को 100% आयनिक मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार धातु
बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं, तथा इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, नोट करें। किसी भी संकुल में पहला प्रश्न है, किसी भी संकुल में केंद्रीय धनायन से घिरे हुए को बिंदु आवेश ब्रैकेट में लिखते हैं, उदाहरण के लिए F माइनस CL माइनस आदि कहा जाता है, तथा उदासीन अणु को बिंदु द्विध्रुव ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे कि H2 हो गया, NH3 आदि कहा जाता है। ठीक है, नोट करें इसे। इसके बाद हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको थोड़े से एक आध एग्जाम्पल इसके समझ गए। पहला जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को ही आपको बना देना है, इसे आप ढंग से बना दे थोड़ा सा।
में देखिए ऑक्सीजन जो है वह दो हाइड्रोजनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं। तो जो लोन पेयर है उन्हें अगर हम इस प्रकार से दर्शाते हैं कि ये लोन पेयर है, यानी यहाँ पर ये ऋणायनिक भाग है, आंशिक ऋणायन और आंशिक धनायन यहाँ पर आवेश आ गया। तो धातु आयन की तरफ वह भाग होगा जो कि ऋणायनिक भाग होगा, कि धातु आयन है ये धनायनिक है, तो विपरीत आवेश यहाँ पर इससे से उपस्थित होंगे। तो ये एग्जांपल हो जाएगा H2 अणु का, या हम कह सकते हैं बिंदु द्विध्रुव। जैसे NH3, H2O आदि है, तो इन अणुओं के ऋणायनी द्विध्रुव, तो इन अणुओं के ऋणायनी ध्रुव धातु आयन की तरफ होगा, तो इन अणुओं के ऋणायनी ध्रुव धातु आयन की तरफ होगा, ठीक है, यही लिखवाया है। इसी तरह से हमारा डायग्राम बनाया है कि जो धनायनिक भाग है ये धनायन है, तो इसके सामने ठीक सामने ऋणायनिक भाग आएगा इस बिंदु द्विध्रुव का, ना कि धनायनिक भाग, ठीक है, बना लिया होगा आपने। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगेंडों के कक्षकों में धातु आयन और लिगेंडों के
कक्षकों के मध्य धातु आयन तथा लिगेंडों के कक्षकों के मध्य कोई अतिव्यापन नहीं होता है, कोई अतिव्यापन नहीं होता है। ना ही लिगेंड के इलेक्ट्रॉन धातु आयन के डी कक्षकों में जाते हैं, ना ही बंध में सहसंयोजक गुण होता है, ना ही बंध में सहसंयोजक गुण होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो अभिप्राय है वो ये कहता है कि यहाँ पर धातु आयन और लिगेंड के मध्य जो बंध बन रहा है उसमें सहसंयोजक गुण नहीं होते हैं। सहसंयोजक गुण में क्या होता है कि जब दोनों ही लिगेंड और धातु आयन जब एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान कर रहे होते हैं तब सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिगेंड ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, यानी लिगेंड जो है वो ऋणायनिक है जबकि धातु आयन धनायनिक है। धातु आयन ले रहा है और लिगेंड दे रहा है। यहाँ पर विपरीत आवेश वाला जो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, तो विपरीत आवेश के कारण यहाँ पर सिर्फ वैद्युत आकर्षण बल होता है जिससे बंध का निर्माण हो रहा है। तो तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एक आयनिक बंध बन रहा है ना कि सहसंयोजक गुण रखने वाला बंध। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ये चीज बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों जो कक्षक है धातु आयन और लिगेंड के कक्षक के मध्य अतिव्यापन नहीं होता। बीबीटी में हमने अतिव्यापन के बारे में जब पढ़ा था, जब दोनों ही केंद्रीय धातु आयन तथा साथ में बंदी जो परमाणु होते थे दोनों ही एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान करके, यानी समान जो इलेक्ट्रॉन है उसका योगदान करके बंध का निर्माण करते थे और हम कहते थे उनके मध्य अतिव्यापन होता है। यहाँ पर अतिव्यापन नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ विपरीत आवेश के कारण बंध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। बाद के जो पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।